जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे श्याम पर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं चूरू ज़िले में। हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको सालासर बालाजी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारी है ना, उतनी बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए, सालासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, बालाजी का एक भक्त था जिनका नाम था मोहनदास। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो है बालाजी ने उन्हें मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था, और अपना वचन पूरा करने के लिए बालाजी ने नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है, आज मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। और पहले आप ये दर्शन कर लीजिए, ये है मेन द्वार जो है मंदिर का अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों, असोटा गाँव में एक जाट जो है खेत जोत रहा था, तभी उसके हल्के नीचे किसी कठोर चीज़ टकराई और उसने निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछ कर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नज़र आने लगी। इतने में जाट की पत्नी जो है खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि आज भी बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। तो अभी दोस्तों, हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और ये है मंदिर की एंट्री। पहले अभी हम अपनी चप्पल जूते जो है उधर निकाल देते हैं, उसके बाद मंदिर की तरफ आएंगे। और ये देखिए, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम, आप एक बार देख लीजिए, फिर अंदर की तरफ चलेंगे। आज भीड़ भी काफ़ी कम है, और साल में दो बार मेला भरता है यहाँ पर, उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए, प्रवेश द्वार में हम एंट्री कर चुके हैं, और काफ़ी श्रद्धालु जो हैं अपना नारियल भी लेकर आते हैं, जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर बांध देते हैं। और दोस्तों, आज भीड़ भी काफ़ी कम है, अच्छी बात है, आप लोगों को मैं अच्छे से दर्शन करा पाऊँगा इसी बहाने। और यहीं पर मोहनदास जी की समाधि स्थल भी है, उसके भी आज हम दर्शन करेंगे, उसके बाद मोहनदास जी के धूने के भी दर्शन करेंगे। आप बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, कितने नारियल जो है बांधे हुए हैं भक्त और श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना के लिए। ये है प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर। अब अंदर की तरफ चलते हैं। और पूरे भारत में दोस्तों, एकमात्र सालासर ऐसी जगह है जहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं, यानी बालाजी विराजमान हैं। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि मोहनदास जी को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूछ में ही दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूछ में विराजमान हैं। तो दोस्तों, जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई थी, उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा, और दूसरी तरफ मोहनदास जी को भी सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर आएगी, और बैलगाड़ी में कोई विराजमान नहीं होगा, बैलगाड़ी खुद चलकर आएगी, जहां पर बैलगाड़ी रुकेगी वहीं पर मेरी मूर्ति की स्थापना कर देना। और मोहनदास जी ने सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान में स्थापित किया गया। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर से निकलने के बाद प्रसाद मिलता है। और दोस्तों, मंदिर में सारा प्रसाद जो है देसी घी में ही बनता है, और भोग भी देसी घी के प्रसाद का ही लगता है बालाजी सरकार को। और दोस्तों, बालाजी के बारे में एक बड़ी रोचक बात और बताता हूँ मैं आपको। इनके मंदिर का निर्माण करने वाले और कोई नहीं, मुसलमान कारीगर थे। इनमें एक का नाम था नूर मोहब्बत और दूसरे का नाम था दाऊ। और जो आपके राइट साइड में पेड़ अभी गया, जहाँ पर नारियल काफ़ी बांधे हुए थे, यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपनी मन्नत मांगकर नारियल को बांध देते हैं। और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, सामने दीवार जो दिख रही है, ये बालाजी सरकार के हैं। यहीं पर जो है बालाजी सरकार जो विराजमान है, और सारी दीवार पर जो है ये सोने की बना रखी है इन्होंने। ये देखिए, बालाजी सरकार के दर्शन कीजिए। और अभी हम चलते हैं मंदिर की बाहर की तरफ, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे मोहनदास जी के धूने पर, और उनकी जहाँ पर समाधि है वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, और वहीं से आपको दर्शन कराऊँगा। ये देखिए, अभी जो भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो चलिए बंदर की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ मैं। और दोस्तों, बालाजी की धूनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि मोहनदास जी ने आज से 300 साल पहले इस धूनी को जलाया था। तो ये देखिए, समाधि सतल शिरोमणि श्री श्री 1008 मोहनदास जी महाराज, यहीं पर है मोहनदास जी का जो है समाधि स्थल। तो अभी आपको उसके दर्शन करा रहा हूँ, आप अच्छे से मानसिक भावना में दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए, वहीं से बालाजी सरकार आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और यहीं पर जो है
भोलेनाथ जी का छोटा सा मंदिर भी है, तो अगर आपको जल चढ़ाना है तो यहाँ भी आप जल चढ़ा सकते हो। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको अभी उन मोहनदास जी की कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाता हूँ, और उनकी मंगल स्तुति है जो शाम को आरती के टाइम पढ़ी जाती है, वो ये है श्री मोहनदास जी मंगल स्तुति, श्री मोहनदास जी की वंदना। तो ये देखिए, जस्ट आपके सामने ही है समाधि स्थल, अंदर वो वीडियो नहीं बनाने देंगे तो इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। ये ऊपर जाके ही है समाधि स्थल जो है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम धुणे की तरफ। और ऐसा भी माना जाता है कि मोहनदास जी के दर्शन किए बगैर सालासर बालाजी महाराज के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। अगर आप यहाँ आए हैं तो समाधि स्थल और धुणे के ज़रूर दर्शन कीजिए। मोहनदास जी महाराज जो है बाल समय से ही साधु थे, और अपनी बहन के परिवार को पालने के लिए सालासर नामक गांव में आए थे। ये सदैव हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। और जब बालाजी महाराज की यहाँ स्थापना हो गई, उसके कुछ समय बाद उनकी बहन का जो है देहांत हो गया था। जहाँ उनकी बहन का देहांत हुआ, उसी के बराबर में जो है उन्होंने अपने जीवन की समाधि ले ली थी। और दोस्तों, मोहनदास जी महाराज ने सालासर बालाजी महाराज की स्थापना करके अपने भांजे को जो है ये मंदिर सौंप दिया था, और एक ही जिम्मेदारी दी थी कि कोई भी भगत किसी भी प्रकार की यहाँ पर उनको असुविधा ना हो, और सेवा के लिए हमेशा आप तत्पर रहे। तो ये देखिए, श्री बालाजी बर्तन भंडार भी हैं यहाँ पर, और सामने ही है धुना। अभी मैं आपको धुने के भी दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पर एक कार्यालय भी है, बालाजी सरकार कार्यालय। अगर आपको यहाँ कोई शिकायत हो या समस्या हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप सेवा समिति कार्यालय में जो आ सकते हैं, या उनको फ़ोन करके भी उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, सामने अभी जो है आपके धुना चल रहा है, और साथ में ही जो है बालाजी सरकार का छोटा सा मंदिर भी है। और दोस्तों, ये अखंड धुनी जो है मंदिर की स्थापना के टाइम से ही चल रही है, और ऐसे भी मान्यता है, ऐसा भी माना जाता है इस धुने से प्राप्त भभूति जो है भक्तों के सारे कष्टों को नष्ट कर देती है। और ये देखिए, सौमणी के लिए जो लड्डू भी मिलते हैं यहाँ पर। अभी मैं थोड़ा सा और अंदर का दिखा देता हूँ आपको मंदिर, जो छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, चांदी से जो बना हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर है, और काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर मोहनदास जी की और बालाजी सरकार की, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए चांदी का गेट जो है बना हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ मुंडन करवाने का भी रिवाज है। छोटे बच्चों को यहाँ पर जब पहली बार उनके बाल उतारे जाते हैं तो यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ की स्थानीय भाषा में जो है मुंडन को जडूला कहा जाता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और बच्चों का जडूला मुंडन करवाते हैं। कई लोग टोली बनाकर, बस भरकर, तो कुछ अपने परिवार और दोस्तों के साथ सालासर बालाजी धाम पहुँचते हैं। और अभी हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी हैं, यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हो। और ये देखिए, मोहनदास जी की एक समाधि है बाहर की तरफ। यहाँ पर दो समाधियाँ और भी हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये भी है। अभी हम मंदिर के बिल्कुल बाहर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो सालासर बालाजी धाम की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।